पकड़ ली अनुपमा ने रोमिल की चोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रोमिल काफी दिनों से थोड़ा सस्पिशियस चल रहा है, कॉलेज नहीं जाना, फिर अपने दोस्तों को घर पे बुलाना पढ़ाई के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी आज लगा कि रोमिल ये पूरा जो घर में क्योस चल रहा है उसके बीच में कुछ अलग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आज उसका खुलासा हो गया। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रोमिल का शुरू से ही नेचर ये रहा है कि उसको जो बुरा कर रहा है उसकी तो भनक लग ही जाती है कि ये बुरा कर रहा है, जैसे कि अधिक कर रहा था, मालती कर रही है, उसको भनक तो लग ही जाती है, मगर इस पूरे में वो अपना फायदा जो है नहीं छोड़ता है। आज भी स्थिति, चाहे अनुज अनुपमा उसमें बिजी है उस सिचुएशन में, मगर इसमें रोमिल जो है अपना काम कर रहा है जो भी उसको करना है। तो रोमिल को पता है कि अनुज अनुपमा जो है वो अच्छे हैं, इनके साथ ही मुझे रहना है क्योंकि इन्हीं का घर है, ये उसने क्लियर कर लिया। कोई बरका कोई मालती उसको इस बात से सोचने पे मजबूर नहीं कर सकती कि इनका दोनों का घर नहीं है, हमारा घर है, कितना बोल ले मगर रोमिल को यह बात क्लियर है और उन्हीं की बात माननी है, ये भी रोमिल को क्लियर है। तो अब इस सारे के बीच में रोमिल की उम्र भी है, एक बच्चा जो पहले ही ऐसे हालातों में पला बड़ा है जिसमें उसको राइट रॉन्ग का पता नहीं है, मां नहीं साथ में रही, बाप नहीं साथ में रहा, अगर रहे भी तो ना रहे के ही बराबर रहे, तो इसमें रोमिल का जो भी अपब्रिंगिंग हुआ है वो ऐसा ही है। अब जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं दोस्तों तो बैड कंपनीज भी होती हैं, क्योंकि अब जो ये जो सीन हमने आज के एपिसोड में देखा है, रोमिल का किताब भूल जाना, जो कि बहुत ही किया गया था कि किताब भूला, क्योंकि ये सीन थोड़ा फिल्माने में थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि रोमिल का हाथ किताब की तरफ जा रहा था मगर उसने किताब नहीं उठाई, या फिर पता चलेगा कि उसने जानबूझ के नहीं उठाई, या क्या था कि कुछ दिखाना चाहता था कुछ भी, मगर वो किताब भूल गया। अब अनुपमा ने जो किताब उठाई सफाई करते समय रोमिल के कमरे में गई, अनुपमा रोमिल का कमरा खोलती है, हैरान होती है, कुछ गिरता है उसको आवाज आती है, हैरान होती है, अंदर देखती है तो अंदर ऐसा क्या था, अंदर रोमिल का कुछ तो ऐसा राज था जो अनुपमा के सामने नहीं आना चाहिए था मगर आ गया। अब ऐसी उम्र में क्या राज हो सकते हैं, ड्रग्स तो रोमिल लेता नहीं है, रोमिल संगीत प्रेमी है, संगीत का वो दीवाना है, संगीत सुनता है, संगीत बनाता है, तो क्या रोमिल का कोई प्रेम का ट्रैक चल रहा है, क्या रोमिल किसी लड़की के साथ है वहां पे, क्योंकि फ्रेंड्स तो आए थे, फ्रेंड्स आए और फ्रेंड्स चले गए, क्या कोई लड़की वहां पे रुक गई, और वो सेशन जो रोमिल का था क्या उसी लड़की की वजह से था, क्योंकि इसके बाद हम कमिंग अप में देखते हैं कि हालात नॉर्मल है, काव्या की गोद भराई की तैयारी है, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ जो सिर्फ अनुपमा और रोमिल के बीच में ही रहा। तो मेरा तो यही इसी तरह ध्यान जाता है कि रोमिल उस लड़की के साथ था और उस समय यानी इस उम्र में ये चीजें बड़ी ही नॉर्मल है कि लड़कियों के साथ रिलेशन होना या प्यार होना, क्योंकि आज की जनरेशन तो और भी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। तो ऐसी कुछ सच्चाई अनुपमा के सामने आएगी जिसको अनुपमा अपने हिसाब से टैकल करेगी कि टीनएजर्स को ऐसी स्टेज पे कैसे हैंडल करना चाहिए, और तब रोमिल कन्फेस भी करेगा कि मैंने ये क्यों किया, मेरा प्यार है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं वगैरह वगैरह, ये हम देखेंगे, मगर अभी तक मुझे यही लग रहा है कि रोमिल किसी लड़की के साथ था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। आपका क्या है इसके ऊपर टेक, आप भी बताइएगा कि आपका इशारा किस तरफ है कि अनुपमा ने ऐसा क्या देखा, बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।